नमस्कार विद्यार्थियों, सामाजिक अनुसंधान की क्लास में आज पुनः आपका मैं ध्रुव कुमार दीक्षित स्वागत करता हूँ। सामाजिक अनुसंधान क्या है, सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं, इसकी प्रविधियाँ, सर्वेक्षण, अनुसूची, प्रश्नावली और सैम्पलिंग, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। एक शोधार्थी द्वारा, एक शोधकर्ता द्वारा प्राथमिक तथ्यों के लिए विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग करके अपने अनुसंधान कार्य के लिए वो अध्ययन क्षेत्र में जाके अध्ययन करता है, अवलोकन करता है और जो पद्धति, जो प्रविधि उसको उचित लगती है उसके माध्यम से वो तथ्य इकट्ठे कर लेता है। अब हमारे पास बहुत सारे तथ्य आ गए, अब इन तथ्यों से उसको अपने अनुसंधान की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत करना है, अनुसंधान का विश्लेषण करना है, उसके निष्कर्ष निकालना है, उससे उसको अपने अनुसंधान को उसने क्या प्राप्त हुआ, समस्या क्या थी, समस्या के जनक कौन थे, समस्या के कार्य कारण क्या थे, उनसे कैसे समाधान किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है ये लास्ट का अंतिम चरण होता है, ये बहुत ही सावधानी पूर्वक होता है। इसमें दो तीन चीज़ें आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तथ्य हमारे पास हैं, प्राथमिक तत्व हैं और द्वितीयक भी, अब इनका वर्गीकरण भी हमें करना है। द्वितीयक तथ्य का तो हम समय के अनुरूप हम वर्गीकरण कर लेते हैं, लेकिन प्राथमिक तथ्यों का वर्गीकरण करना है क्योंकि बिखरे हुए हैं, काफी लार्ज स्केल में हमको प्राप्त हो गए। अब उसमें से महत्वपूर्ण तथ्यों को रखना है तो उनका क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना, उनका टेबुलेशन करना, उनका सारणीयन करना, जिससे जनसाधारण को वो बिखरे हुए तथ्य देखने को मिल जाए। सामान्य तौर पर आपने देखा होगा कि मकान बनाने के पहले ईंट, रेत, गिट्टी है ना, ये सब पड़ा रहता है, लोहा, लकड़ी, ये सब क्या है आपका मलबा कहलाता है, ढेर कहलाता है, निर्माण सामग्री कहलाती है। लेकिन इंजीनियर, ठेकेदार, मिस्त्री, मजदूर इसको मिला के इस सामग्री को जब सिस्टम से रख देते हैं, क्रमबद्ध रूप से रखते जाते हैं तो बिल्डिंग बन जाती है, वो बिल्डिंग संरचना कहलाने लगती है, तो वो उसका अलग महत्व हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से एक शोधार्थी ने अभी अपने क्षेत्र से, अनुसंधान क्षेत्र से, क्षेत्र में जहाँ उसको क्षेत्र थी, जिसमें उसकी समस्या थी, वहाँ से समस्या से संबंधित ईंट, रेत, गिट्टी, लोहा, चूना, लकड़ी, ये सारी इकट्ठी कर ली है और ला के एक जगह रखा है। अब उसको बनाना है बिल्डिंग, उसको बनाना है एक भवन बनाना है, और भवन बनाने के लिए उसको इन सभी चीज का समानुपातिक वर्गीकरण करना पड़ेगा। वर्गीकरण करने के बाद उसका टेबुलेशन करना पड़ेगा, उसका सारणीयन करना पड़ेगा, और फिर आप उसको बता सकते हैं ये हमारी बिल्डिंग है, इसमें ड्राइंग रूम है, इसमें आपका डाइनिंग रूम है, ये किचन है, ये लेट बाथ है, ये आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे तथ्यों का वर्गीकरण। किसी भी सामाजिक अनुसंधान में तथ्य और सिद्धांत दो अलग अलग चीज, जिसको अपन सामान्य तौर पर एक मान लेते हैं, फैक्ट्स एंड थ्योरी बोथ आर डिफरेंट। सामान्यतः तथ्य सिद्धांत को एक मानते हैं, जो एक बहुत बड़ी गलती होती है। लेकिन कोई, जैसे इसका उदाहरण, यदि कोई कहता है कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक बुद्धिमान हैं तो यह तथ्य नहीं है। लेकिन यदि हम ये कहते हैं कि पेड़ से जमीन पर पत्तियों को गिरते हुए मैंने देखा, तो ये कहा जाता है उसने कोई फैक्ट देखा, फैक्ट की बात कर रहा है, तथ्य। लेकिन यदि मैं कहता हूं कि मैंने पत्तियों को, मतलब पेड़ से पत्तियां गिरती ही रहना चाहिए, तो ये फैक्ट नहीं होगा, ये तथ्य नहीं होगा, लगातार पत्तियां गिरती हैं तथ्य नहीं होगा, ये वास्तव में मैं किसी सिद्धांत की बात कर रहा हूं। अर्थात सिद्धांत तथ्य से परे होता है, तथ्य से अलग होता है। तथ्य क्या होते हैं, आधार सामग्री, जो हमारे फैक्ट होते हैं वो आधार सामग्री होते हैं, जबकि सिद्धांत क्या है, विचारों की, हमारे जो विचार हैं उनकी एक संरचना, उनका एक कंस्ट्रक्शन है। अर्थात तथ्यों की व्याख्या और अर्थ, तथ्य क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। तथ्य तथ्य ही रहते हैं, भले ही वैज्ञानिक उनकी व्याख्या ना कर सकें, लेकिन तथ्यों के विश्लेषण से ही हमको निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। इसीलिए जे एच वाइनकेयर ने कहा था, जे एच वाइनकेयर कहते हैं, जिस प्रकार एक मकान का निर्माण पत्थरों से होता है, जिस एक मकान का निर्माण पत्थरों या अन्य सामग्री से होता है, उसी प्रकार विज्ञान का निर्माण भी, देखिए मकान का निर्माण पत्थरों, ईंट, सीमेंट से होता है, उसी प्रकार विज्ञान का निर्माण भी तथ्यों से ही होता है। परंतु जिस प्रकार पत्थरों के ढेर को मकान नहीं कह सकते, मैंने कहा था ना पत्थरों के ढेर को हम मकान नहीं कह सकते, उसी प्रकार केवल तथ्यों के संकलन से ही विज्ञान का निर्माण नहीं हो जाता है। साइंस इज बिल्ड विथ फैक्ट एज ए साइंस
साइंस इज बिल्ड विथ फैक्ट एज ए हाउस इज बिल्ड विथ स्टोन बट कलेक्शन ऑफ फैक्ट इज नो मोर बट कलेक्शन ऑफ फैक्ट इज नो मोर साइंस देन ए हीप ऑफ स्टोन इज ए हाउस। ये है पीटर एचमान कहते हैं तथ्यों के वर्गीकरण को कि वर्गीकरण अनिवार्य रूप से वस्तुओं को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर एक साथ रखने का तरीका है जिससे उनको सरलता से समझ सके। तो वर्गीकरण में एक मेन चीज क्या है जो हमको तथ्य प्राप्त हो गए हैं उनका विश्लेषण करना है उसके लिए कुछ चीजें ध्यान रखना होगी। हमको व्यवस्थित रूप से जो हमारी प्रगटना जो भी घटना है उसके लिए उत्तरदायी परिस्थितियों और ये जानना है कि कौन सा तथ्य किस कार्य का परिणाम है इसकी आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो उपलब्ध सूचनाएं हैं उनकी सहायता से जो हमारे पिछले सिद्धांतों की जांच करना है उनकी परीक्षा करना है और उनकी सत्यता को भली भांति समझना होता है। इसलिए सिद्धांतों में आए जाने वाले परिवर्तनों को भी हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए तथ्यों का संकलन बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक विश्लेषण की सहायता से कोई नवीन निष्कर्ष या सामान्य जनरलाइजेशन सामान्यकरण तक पहुंच सकते हैं जो पिछले सिद्धांत या नियमों के विपरीत किसी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। वैज्ञानिक विश्लेषण किन तत्वों पर आधारित है इस वास्तविकता को जानने के पश्चात ही हमारे ज्ञान में यथार्थता और मौलिकता आती है। इसलिए पॉलिनियन कहते हैं तथ्यों के विश्लेषण की प्रक्रिया एक आवश्यक शर्त यह है कि एक आलोचनात्मक और अनुशासित कल्पना शक्ति को विकसित किया जाए जिस पर आधारित वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा एक वैज्ञानिक विचारधारा विकसित की जा सके। इसके अलग अलग तथ्यों के विश्लेषण के स्टेप हैं, एकदम से नहीं करना है। पहले सामग्री का संपादन, हमारे पास जो भी तथ्य हैं सामग्री है उसमें हम संपादित करेंगे, उसमें अशुद्धियां निकाल दें, त्रुटियां दूर कर लें जिससे कि जो गलतियां हैं या जो गलत हो गए हैं या जो अधूरी सामग्री उसको अलग कर दें, तो उनका संपादन एडिटिंग ऑफ डेटा। सूचनाओं की जांच इंस्पेक्शन ऑफ द डेटा, जो भी हमको तथ्य मिले हैं उनकी विश्वसनीयता की आप जांच कर लीजिए कि ये पक्के हैं या आधे अधूरे हैं, अपूर्ण तो नहीं है इनमें तथ्य क्योंकि बाद में आपको दिक्कत देंगे। अनावश्यक सूचनाओं को निकालना, संपादन कार्य जो एडिटिंग के दौरान हमें देखना चाहिए कि जो अनावश्यक तथ्य हैं उनको अलग कर देना चाहिए। कई बार बहुत से तथ्य हम इकट्ठे कर लेते हैं, उस वक्त भाई चलिए रख लीजिए बाद में अपन देखेंगे, तो अनावश्यक तथ्यों को अनावश्यक सूचनाओं को निकाल दीजिए जो अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं। सूचनाओं को क्रमबद्ध करना, अब सूचनाओं को व्यवस्थित क्रम में रखना पड़ेगा यानी तथ्यों का क्रमबद्ध करना। गांव का इतिहास पहले कि गांव कब का बना है, कितने साल पुराना है, गांव में शुरुआत कहाँ, पहले कितने लोग थे, फिर उसके बाद में आधुनिक। द्वितीयक सामग्री की जांच, तथ्यों के विश्लेषण के लिए आपको प्राथमिक तथ्यों के साथ साथ सेकेंडरी डेटा जो है द्वितीयक तथ्य इसकी भी जांच कर लेना चाहिए जो हमारे लिए कहाँ तक उपयोगी है। फिर इनका कोडिंग करना पड़ता है, संकेतन करना पड़ता है जो हमारी द्वितीयक सामग्री से इसमें मदद आती है। अब इसके जो वर्गीकरण है इसकी कुछ चीज़ें हमें ये ध्यान रखना पड़ते हैं कि होमोजेनिटी होनी चाहिए, सजातीयता होना चाहिए, मतलब एक सजातीय क्रम में आना चाहिए, स्पष्टता और निश्चितता होना चाहिए, मतलब डेफिनेट होने चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, विभिन्नता होना चाहिए। सारे तत्वों को इकट्ठे करके हम एक सा रखेंगे तो नहीं, उसकी प्रकृति की अलग अलग सूचनाएं रखें, उसमें स्थिरता होना चाहिए, उनको स्थिर होना चाहिए। यानी वर्गीकरण अगर स्थिर नहीं होगा तो तुलनात्मक अध्ययन नहीं हम कर पाएंगे। जैसे जनसंख्या को हिंदू मुसलमान अमीर गरीब इन चार भागों में विभाजित किया, ये वर्गीकरण जो है दोषपूर्ण होगा कि इसमें पहला आधार आपने धर्म ले लिया, दूसरा आधार आपने आर्थिक ले लिया, तो आप पहले लीजिए धार्मिक आधार और आर्थिक, इस तरीके से आपको स्थिरता। इससे क्या होता है संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण, आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आप कन्फ्यूज होंगे, इसलिए संक्षिप्त करना चाहिए। सामान्यता और विभिन्नता को स्पष्ट करना चाहिए। सरल समूहीकरण, इसमें जो ग्रुपिंग करें आप जो समूह बनाएं वो जटिल असंबद्ध तत्वों को सरल और सामान बनाना चाहिए। विश्लेषण में सरलता होनी चाहिए, अगर तत्वों को आपने श्रेणीबद्ध तरीके से करा तो आपका विश्लेषण बहुत सरल हो जाएगा, इससे वैध निष्कर्ष मिलते हैं इनको, आप इनको कह रही है जिनसे जो निर्णय लेंगे वैधता मिलेगी, वैलिडिटी होगी। इनको गुणात्मक और गणनात्मक आधारों पर करना चाहिए। अब इसका क्या है, गुणात्मक आधार पर आप इनको कर लीजिए, जैसे वैवाहिक स्थिति के आधार पर बांट लिए है ना, और गणनात्मक तो वर्गांतर की पहले वर्ष में क्या स्थिति थी चुनाव में, दूसरे साल में क्या थी, तीसरे में क्या थी, ये होता है। अब सारणीयन इसमें आता है तथ्यों का,
तो सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों को स्पष्ट करने की जो व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है वो कहलाती है टैबुलेशन, टार्गेटिंग। हमारे पास इतने जटिल और अव्यवस्थित आधार पर तथ्य होते हैं कि उससे हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, विभिन्न पक्षों को समझने की दृष्टि से व्यवस्थित, स्पष्ट और सरल बनाना चाहिए। इनको एक कॉलम में बना लेते हैं, हम टेबल्स बना के करते हैं। सारणियन क्या कहता है, सारणियन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से संख्यात्मक तत्वों को क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने की एक विधि है। ये कॉर्नर रेखा था कि टैबुलेशन इन्वॉल्व द ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन ए फॉर्म डिजाइन टू एलुसिडेट द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। सेक्रिस्ट के अनुसार सारणियन वह साधन है जिसके द्वारा वर्गीकरण की गई विवेचना को स्थायी स्वरूप प्रदान किया जाता है, जिसमें समान और तुलनात्मक इकाई को उचित स्थान पर रखा जाता है। ये सेक्रिस्ट का कहना था। टैबुलेशन आर ए मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन परमानेंट फॉर्म द एनालिसिस दैट इज मेड थ्रू क्लासिफिकेशन एंड ऑफ प्लेसिंग इन द राइट पोजिशन थिंग दैट आर सिमिलर एंड शुड बी कंपेयर्ड। बाउले कहते हैं सारणियन वह सांख्यिकी प्रक्रिया है जिसका उपयोग उपलब्ध और संकलित तथ्यों से अंतिम निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। टैबुलेशन इज दैट स्टैटिकल प्रोसेस विच इज यूज टू ड्राइव द लॉस्ट कंक्लूजन बाय द अवेलेबल कलेक्टेड मटेरियल। पीवीएम कहते हैं सांख्यिक सारणियन सांख्यिकी की आशुलिपि है। स्टैटिकल टैबुलेशन हैव बीन रेफर्ड टू एज द शॉर्ट हैंड ऑफ स्टैटिक्स। ये पीवीएम ने कहा। तो सारणियन में क्या है, विशेषता क्या है इसकी, स्पष्ट और सरल होना चाहिए। आकार समुचित, बहुत ज्यादा बड़े ना हो, बहुत ज्यादा छोटे ना हो टेबल आपकी। सारणी में सुगमता होनी चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, उद्देश्य आपके जो ऑब्जेक्ट है उससे मेल खाना चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए और तथ्यों को स्पष्ट और बोधगम होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है, हमारे जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, वो स्पष्ट होना चाहिए, बोधगम होना, मतलब इस टेबल इस तरीके से बनाए, क्रमबद्ध और व्यवस्थित रखें, उनको अरेंज द डेटा इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक। तुलना योग्य, जिससे आप सारणी ऐसी बनाए कि दो सारणी के बीच में आप तुलना कर सकें, कंपेयर कर सकें। संक्षिप्तीकरण, टू समराइज द डेटा, मतलब तथ्यों को बहुत ज्यादा बढ़ा के ना रखें। सामाजिक, टू प्रोवाइड सोशल मोटिवेशन, यानी इस तरीके से रखें जैसे अर्थशास्त्र करता ना, उसे आर्थिक स्थिति होती है, तुलना हो जाती, इसी प्रकार से समाजशास्त्र में सामाजिक स्थिति, तुलना स्पष्ट हो जाए। अब इनको अलग अलग प्रकार से अपन को बनाना पड़ रहा है, जैसे धर्म के आधार पर सारणी बनाई तो एक कॉलम धर्म का हो गया, उसमें विद्यार्थी संख्या, तो हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध, और वहाँ हिंदुओं की संख्या लिख ली, 500 है हिंदू, मुस्लिम है 10, ये, और विद्यार्थियों की संख्या है कॉलेज के, तो धर्म के हिसाब से बना लीजिए आप, उनकी क्लास के हिसाब से, कला विज्ञान वाणिज्य शिक्षा, है ना, खिलाड़ियों के आधार पे, ये अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो सारणी जो बनाई जाती है, तो तीन प्रकार से, एक तो बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के आधार पे, और रचना, बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, उद्देश्य में हमारा उद्देश्य फिक्स्ड है कि हम पहले से तय कर लेते हैं हमको कैसे क्या क्या उद्देश्य रखना, उन उद्देश्यों को प्रारंभिक प्राथमिकता के आधार पर हम आंकड़े रखते हैं, जिसमें जैसे समाजशास्त्र के 100 विद्यार्थियों के प्राप्तांक, तो हमने रख लिया इससे सिंपल सारणी, 30 से 40 नंबर वाले कितने हैं, 40 से 50 वाले कितने हैं, 50 से 60 वाले, ये हमने ऐसे सिंपल सारणी है। और इसमें जटिल कॉम्प्लेक्स सारणी में क्या होता है, तत्वों के विषय में एक से अधिक लक्षण का अपन प्रकार डालते हैं, वो जटिल हो जाती है, उसमें कई चीजें, जैसे विद्यार्थी छात्र भी हो गए, छात्रा भी, प्राप्तांक हो गए, तो ये जटिलता हो गई, मतलब छात्र छात्रा दोनों में, द्विगुणी टू वे भी होती है, त्रिगुणी थ्री वे भी होती है, आयु के आधार पे, लिंग के आधार पे, साक्षरता के आधार पे, जबलपुर शहर की जनसंख्या, ये कहलाती है आपकी टैबुलेशन। और टैली शीट भी हम बनाते हैं, तो रिसर्च में जब कोई विश्लेषण करना होता है तो हमको कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, टैबुलेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको सारणी के लिए कुछ नियम है, रूल्स ऑफ टेबल्स हैं। पहला, एक हेडिंग रखना पड़ेगी, शीर्षक हमेशा बहुत छोटा रखना चाहिए, बहुत बड़ा शीर्षक नहीं और इतना भी छोटा नहीं कि स्पष्ट ना हो, यानी शीर्षक स्पष्ट और आकर्षक होना चाहिए। कॉलम होना चाहिए, आपको कॉलम में अपने तथ्यों को प्रेजेंट करना है। अनुशीर्षक अनुलेख, उसके कैप्शन होना चाहिए, स्तंभ में क्या क्या लिख रहे हैं, जैसे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों का प्रतिशत, ये आपको कैप्शन रखना। कतार, रो,
तत्वों को कतार में लिखने की पद्धतियां हैं, वो रखें। स्तंभों का क्रम, सीक्वेंस ऑफ कॉलम, योग, बाद में आपको जो तथ्य के जो है उनका योग का एक कॉलम होना चाहिए और नोट उसमें। इससे लाभ क्या होता है सारणी से, कि वास्तव में सारणियन जो है सभी तथ्य हमारे संकलित हो जाते हैं, एक ही स्थान पे होते हैं, उनका सांख्यिकी विश्लेषण हो जाता है, हम उनकी कंप्रेशन तुलना कर लेते हैं, उसका अध्ययन का हमारा उद्देश्य हो जाता है, समय की बचत होती है। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें सीमाएं रखी हैं, इसमें गलतियां भी हैं। इसमें क्या संख्यात्मक तत्वों को ही दर्शाया जाता है, इसमें गुणात्मक नहीं आते, आपके क्वांटिटेटिव फैक्ट्स तो आ जाते हैं, क्वालिटेटिव फैक्ट नहीं आते। ये जटिल तथ्य जो है साधारण व्यक्ति, हर सामान्य व्यक्ति इन तत्वों को नहीं समझ पाता, उसको समझाने के लिए आपको डिटेल में जाना पड़ता है। आंकड़ों की भरमार होने से बोझिल आता है, नीरसता आती है। सभी इकाइयों का सबका अपना अलग अलग महत्व है, इसलिए किसी एक इकाई के महत्व को आप बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं दिखा सकते, इसके विवरणात्मक विश्लेषण नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद भी टैबुलेशन जो है एक महत्वपूर्ण पद्धति है, और टैबुलेशन होता है तथ्यों का वर्गीकरण, और टैबुलेशन ही पूरे हमारे रिसर्च की नीड होता है। इसके बाद विद्यार्थियों कल हम करेंगे रिपोर्ट राइटिंग प्रतिवेदन, आज के लिए इतना ही।